नमस्कार, आप देख रहे हैं इंफ्लाइड न्यूज। मैं हूं आनंद गोस्वामी। आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक तरफ वो परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं तो दूसरी तरफ परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए जनसभा करने बिहार आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से, जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके, 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया इस पर बताएं सारे सांसद। तो बिहार की जनता तो जवाब मांग रही है। कई नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं सर, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के कई नेता। देखिए अब ये सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया है। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन्फ्लाई न्यूज़, मिलेंगे अगली खबर में। राजनीति का गलियारा हो या खेल का मैदान, चुनावी नोकझोंक हो या सामाजिक संज्ञान, और लेकर आते हैं हर खबर आप तक। हम हर खबर पर रखते हैं अपनी पहली नजर, जमीन से आसमान तक। हम हैं यूनिफ्लाई न्यूज़, जमीन से आसमान तक।